धौलपुर में बोकारो से ट्रोला में सरिया भरकर ला रहे चालक और परिचालक को अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर हाथ पैर बांधकर गाड़ी में पटक दिया। उसके बाद बदमाशों ने चालक को गोली मार दी, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि परिचालक घायल हो गया। बदमाश गाड़ी को चलाकर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के छीतापुरा मोड़ के पास गाड़ी को छोड़कर भाग गए। उपचार के दौरान होश में आने पर परिचालक राधा चरण ने बताया कि दो दिन पूर्व वह बिहार के बोकारो शहर से लोहे के सरिया लेकर गुड़गांव रवाना हुए थे। गुड़गांव से पहले एक ढाबे पर ट्रक खड़ा करके उसने और चालक नरेंद्र रावत ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वह ट्रक में सो गए, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने ट्रक चालक नरेंद्र रावत पर पहले चाकुओं से वार किए, फिर कट्टे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बदमाशों ने उसके साथ में जमकर मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गया। बदमाशों ने इस दौरान ट्रक में लदे सरिये कहीं उतार दिए और ट्रक सहित उन्हें यहां रायाखेड़ा इलाके में छोड़ गए। घटना की जानकारी जैसे ही रायाखेड़ा के लोगों को मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और परिचालक को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बकर सियावास निवासी सोनलाल खटाना मालिक का ट्रोला बिहार के बोकारो से गुड़गांव के लिए सरिया भरकर रवाना हुआ। ट्रोला गुड़गांव के पास पहुंचा तो चालक नरेंद्र रावत और परिचालक राधाचरण को भूख लगी और उन्होंने ढाबे पर ट्रोला को रोककर खाना खाया। खाना खाने के बाद चालक और परिचालक ट्रोला में सो गए। उसी समय चार बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने चालक और परिचालक पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने चालक और परिचालक की पिटाई कर उनके हाथ पैर बांध कर ट्रोला में पटक दिए। इससे भी बदमाशों का मन नहीं भरा तो उन्होंने चालक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाश ट्रोला को चलाते हुए शमशाबाद पहुंचे और शमशाबाद होते हुए उटंगा नदी के पास राजस्थान सीमा में रायाखेड़ा थाना क्षेत्र के छीतापुरा मोड़ के पास ट्रोला को छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना लोगों को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रोला में से चालक के शव को कब्जे में लेकर रायाखेड़ा अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। घायल परिचालक को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने परिचालक से मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने मौके पर SFL टीम को बुलाकर सबूत जुटाए और मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक ट्रेलर में अजमेर का ट्रेलर था, बोकारो से सरिया भर के लेके आ रहा था, जिनको वो सरिया गुड़गांव फलाने थे। ड्राइवर फल्लासी ने गुड़गांव आगे किसी होटल में खाना खाया, पर वो अपने केबिन में सो गई। खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर के नीचे आने से किसान की हुई मौत। धौलपुर के कोलारी थाना इलाके के गांव जमालपुर में खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर दूसरे खेत के गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गया। दर्दनाक हादसे में 45 वर्षीय किसान की मौत हो गई। किसान के मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक गांव जमालपुर निवासी रामनाथ पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा अपने खेतों की ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने गया था। जुताई करते समय दूसरे खेत में बने गहरे गड्ढे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें किसान रामनाथ दब गया। हादसे को देख आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों को घटना की सूचना दी। ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर ट्रैक्टर को सीधा कर किसान को नीचे से निकाला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। परिजन घायल अवस्था में मनिया CHC लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने कोलारी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में लेकर बसई नवाब CHC पहुंचाया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 20/9/2018 सुबह 6:30 बजे की बात है, जमालपुर गांव में रामनाथ सनोप नारायण डेंगू बुखार से 9 वर्षीय मासूम की हुई मौत। चिकित्सा विभाग के इंतजाम हुए नापाकी साबित। धौलपुर जिले में बारिश थमते ही मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। डेंगू बुखार से 9 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान आगरा के निजी अस्पताल में मौत हो गई। बालक की मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया है, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन अभिषेक चौधरी ने बताया कि सैंपू इलाके के किलेदार का नगला निवासी उसके 9 वर्षीय भाई नरेंद्र पुत्र बबलू को 4 दिन से बुखार की शिकायत हुई थी। परिजन बच्चे को दिखाने सैंपू CHC ले गए, जहां चिकित्सकों ने सरकारी इलाज का कर घर भेज दिया, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। उसके बाद बच्चे को आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 दिन
उपचार होने के बाद मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले में घातक मौसमी बीमारियों की शुरुआत होने पर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वर्षा थमने के बाद से ही मौसमी बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को पूर्व में ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। इलाके में इस समय वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। साप्ताहिक समीक्षा की बैठक में चिकित्सक विभाग को फोगिंग करना और नमूने लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने जिले में अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। उसको डेंगू निकला था, वहाँ से उसको आगरा के लिए रेफर किया गया था, आगरा भी इलाज चला था उसका, राजा उसकी मौत। नरेंद्र बुखार आया हो तो धौलपुर ले गए, धौलपुर में डेंगू बताया हो तो जांच कराएंगे, और डेंगू बताया हो तो राजेश यादव को ट्रीटमेंट चल रहा हूँ। 19 तारीख को राजेश यादव ने मना कर दी थी आगरा लेने, आगरा रवि हॉस्पिटल में इलाज चला। आज सुबह 5 बजे अच्छा डेंगू की पुष्टि हुई है। अज्ञात 4 बदमाशों ने बाइक सवार दंपति पर किया हमला, कीमती आभूषण और रुपयों से भरा पर्स लेकर हुए फरार, घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के NH 11B बिस्नौदा गांव के पास बीती रात बाइक सवार दंपति पर अज्ञात 4 बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान बदमाश महिला के गले से सोने की जंजीर, हार और रुपयों से भरा पर्स छीनकर फरार हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शहर के कास्तपाड़ा निवासी दशरथ सिंह अपनी पत्नी मीना के साथ बाइक से सवार होकर बसनडांग गांव थाना इलाके के गांव नगर में अपने साले के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर बीती रात अपने घर आ रहे थे। तभी NH 11B पर बिस्नौदा गांव के पास 4 अज्ञात बदमाशों ने दंपति की बाइक को रोक लिया। इस दौरान एक बदमाश ने लोहे की सरिया से दशरथ सिंह के सिर पर हमला कर घायल कर दिया और मीना के हाथ में भी सरिया मार दिया। इसके बाद बदमाशों ने मीना के गले से 1.5 तोला सोने की जंजीर, 7 तोले का सोने का हार और रुपयों से भरा पर्स छीन लिया और फरार हो गए। इसके बाद घायल दशरथ सिंह ने अपने दोस्त माधो सिंह को फोन कर बुलाया। दोस्त ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल दशरथ सिंह PWD में राजकीय ठेकेदार हैं। अपने बाइक के यहां से आ रहे थे, पंडिताई थी, वहां से हमारे दोनों आदमी आ रहे थे तो पीछे से 4-5 लोग थे, एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने सरिया मारे थे, लेकिन उनकी गले में से चैन भी खींच ली, मेरी ना गर्दन में 7 तोले का लच्छा पड़ा था, मैंने लच्छा रोका है तो मेरे हाथ में सरिया दिया है। 4-5 लोग थे, हम दोनों डाले सरिया, उसके देख के ज्यादा लगे, मेरे हाथ में सरिया लगा है। क्या हुआ? अरे वहां से मैं अपने साले के यहाँ से खाना खा के आ रहा था, प्रोग्राम था, पीछे से बाइक पे 2-3 जने चले आ रहे, उन्होंने सरिया मारे लोहे के सिर में, बिस्नो मेरे पास। क्या लेके? मेरी चैन लेके, मेरी मैडम की जो नार्मल लपेड़ा होता है 7 तोले का। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलावट में समय पर शिक्षकों का न आना और छात्रों को नहीं पढ़ाना, घटिया पोषाहार में दूध वितरण को लेकर छात्रों ने स्कूल पर तालाबंदी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला यूं कि रायाखेड़ा के सिलावट गाँव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र स्कूल में फैली अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। जब छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की तो स्कूल प्रबंधन ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर धमकी दी। विद्यालय में नहीं सुधर रही हालत से तंग आकर गुरुवार को छात्रों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने मामले की समझाइश करवाने के लिए कहा, मगर छात्र स्कूल प्रशासन की अव्यवस्थाओं का शिकार थे, इसलिए उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। काफी देर बाद मामले की समझाइश कार्रवाई हुई। छात्रों का कहना था कि विद्यालय में समय पर शिक्षक आते नहीं है और जब उनसे पढ़ने को कहते हैं तो वह अध्ययन भी नहीं कराते, बल्कि छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। छात्रों ने बताया कि विद्यालय में काफी समय से पोषाहार का वितरण नहीं हुआ है और जो दूध वितरण किया जाता है वह भी काफी घटिया क्वालिटी का बांटा जाता है। वहीं छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की कि जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 8वीं
बारहवीं के। क्या समस्या है स्कूल में? समस्या ये सर, टीचर गाली देते हैं और दूध को पानी पिलाया जाता। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और सीएससी का एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने औचक निरीक्षण किया। सरकारी विद्यालय में एसडीएम निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां के स्टाफ रूम में सभी अध्यापक गपशप करते मिले। स्कूल की अधिकांश कक्षाएं खाली पड़ी थीं, जिसे देखकर एसडीएम से नाराजगी जाहिर की। दोषी अध्यापकों के खिलाफ डीईओ और बीईओ को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार आज सैंपल एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने बसई नवाब उप तहसील की सरकारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया, जिससे सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया। एसडीएम कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां अधिकांश अध्यापक स्टाफ रूम में गपशप करते हुए पाए गए। उन्हें देखकर एसडीएम मीणा ने नाराजगी जाहिर। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें संभागियों के द्वारा महाविद्यालय परिसर में रमन गार्डन, आमला गार्डन, बांटनी गार्डन, विवेकानंद परिसर आदि की सफाई की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय उपाध्यक्ष सिया राणा के द्वारा संभागियों को मास्क व दस्ताने दिए गए, जिसे लगाकर संभागियों के द्वारा महाविद्यालय परिसर में झाड़ू एवं सफाई की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी डॉक्टर अनुज कुमार, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हरिओम शर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी एवं डॉक्टर श्याम कुमार मीणा के निर्देशन में महाविद्यालय परिसर की सफाई की गई। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष हरगोविंद बघेला, उपाध्यक्ष श्रीया राणा, महासचिव सूरज कुशवाहा, संयुक्त सचिव पूना महावर, पूर्व छात्र अमित शर्मा, भारत शर्मा, योगेश शर्मा, रिया राणा, दीक्षा शर्मा, अमन दाताराम आदि उपस्थित रहे। राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज चौथे दिन भी धौलपुर जिले के केंद्रीय बस स्टैंड पर 13 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज की बस सेवा पूरी तरह से ठप रही। बसों के चक्का जाम से सैकड़ों यात्री भटकते रहे। रोडवेज के कर्मचारियों ने रोडवेज वर्कशॉप का गेट बंद कर दिया और बस स्टैंड पर ही धरने पर बैठ गए। चार दिन से बसों के बंद होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चक्का जाम होने के बाद जिले में करीब 80 बसों का संचालन बंद हो गया है। रोडवेज कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जुलाई माह में कर्मचारी नेता और सरकार के बीच समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे रोडवेज कर्मियों का सातवें वेतन लागू होना, नई बसें देने जैसी 13 मांग थी, जिनको 31 अगस्त तक लागू करना था, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मांगें पूरी नहीं होने तक चक्का जाम जारी रहेगा। वहीं बसों के नहीं चलने से धौलपुर रोडवेज को चार दिन में करीब 47 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। 82 घंटे इस हड़ताल को रोडवेज की को होने जा रहे हैं, ये चौथा दिन है, लेकिन राजस्थान सरकार की मुखिया ने इन कर्मचारियों के दर्द को समझ नहीं रही है। इनकी जो मांग है कि नई बसें दिलाई जाए और इनको मैं रोडवेज बस स्टैंड पर काफ़ी समय से खड़ा हुआ हूँ। मुझे यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि बसों की हड़ताल है। मैं अपना सामान लेने के लिए मुरैना जा रहा हूँ, मुरैना जाने के लिए कोई बस नहीं मिल रही है। रोड प्राइवेट बसें आ रही हैं, कचाकच आ रही हैं, उनमें मारामारी हो रही है। मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।